नाम हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे नोकिया 3310 के बारे में जो कि नया लॉन्च हो चुका है, यानी कि हम बात कर रहे हैं नोकिया 3310 2017 वर्जन, जिसका मैंने हैंड्स ऑन किया था बार्सिलोना में और आप लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आया। नोकिया 3310 की एक बहुत ही स्पेशल इमेज बहुत सारे इंडियंस के एक दिमाग में, एक दिल में है, क्योंकि नोकिया 3310 एक बहुत ही आइकॉनिक फ़ोन रहा है, बहुत ही बढ़िया फ़ोन रहा है, इतने सालों तक चलता रहा है फ़ोन। और ऐसे में जिन लोगों ने नोकिया 3310 लिया था और संभाल के रखा है वो फ़ोन आज भी चलता है, तो ये एक कमाल की बात है। अब हम बात करते हैं नए नोकिया 3310 में क्या क्या नई चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप नोकिया 3310 लेने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें नई चीज़ें बेहतर हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ जो हैं यहाँ पे नोकिया 3310 में किए गए हैं और ये बदलाव किए जाने चाहिए थे लेकिन नहीं किए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे इस वीडियो में। और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएं कि क्या नोकिया 3310 नया वाला वर्जन जो है वो आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दूंगा जो शायद आपको बाकी और वीडियोस में अभी तक नहीं मिली होगी। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को और बात करते हैं नोकिया 3310 के बारे में कि क्या क्या नई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हैं। तो नोकिया 3310 के अंदर जो नई चीज़ें हैं जिसकी वजह से शायद आप नोकिया 3310 को लेना चाहें, वो है सबसे बड़ी उसकी फैन अपील, नोकिया की ब्रांडिंग। नोकिया का एक ऐसा फ़ोन जो कि बहुत ही पॉपुलर फ़ोन रह चुका है, एक अच्छा बैटरी बैकअप आपको देता था, तो ऐसे में नोकिया 3310 नया वर्जन जो है काफ़ी कुछ पुराने वर्जन से मिलता जुलता है, लेकिन अगेन यहाँ पे ये फीचर फ़ोन ही है, ये कोई स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। शुरुआत करते हैं इसके फीचर्स के बारे में बात करने की और बैटरी की बात करते हैं सबसे पहले। नोकिया 3310 जो कि पुराने वाला था उसमें मिलती थी आपको 900 mAh की बैटरी, जबकि नए नोकिया 3310 2017 मॉडल में आपको 1200 mAh की बैटरी मिलती है। और साथ ही साथ कंपनी ने ये क्लेम भी किया है कि इस फोन के अंदर आपको एक मंथ का स्टैंड बाय टाइम जो है मिल जाएगा अगर आप उसे चार्ज कर लें, और उसका टेस्टिंग हम जरूर करेंगे। अब हम बैटरी की बात करें तो बैटरी यहाँ पे बेहतर हो गई, लेकिन डिस्प्ले भी यहाँ पे कलरफुल हो गया है, यानी कि वो डिस्प्ले जो है बैटरी ज्यादा कंज्यूम करेगा पुराने डिस्प्ले से जो कि मोनोक्रोम डिस्प्ले था। तो नया डिस्प्ले जो आता है नोकिया 3310 में वो आता है 2.4 इंच का, 240x240 पिक्सल्स का। ऐसे में ये डिस्प्ले कलरफुल डिस्प्ले है, पोलराइज डिस्प्ले है, यानी कि इसे आप सनलाइट में यूज करेंगे तो आराम से यूज कर पाएंगे, देख पाएंगे डिस्प्ले पे क्या चल रहा है। तो ऐसे में डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी डेफिनेटली बेहतर हुई है और साथ ही साथ बैटरी को भी बड़ा कर दिया गया है, तो वो अच्छी बात है और मुझे लगता है कि इस फोन के अंदर आपको अच्छा बैटरी बैकअप जो है मिल जाएगा। अब हम बात करें और चीजों की जो कि बहुत ही ज्यादा फेवरेट थी नोकिया 3310 में। नोकिया 3310 में जो स्नेक गेम आपने खेला है वैसा ही कुछ स्नेक गेम आपको नए नोकिया 3310 में भी मिलता है, लेकिन ये जो नया स्नेक गेम है मुझे तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन शायद थोड़ा खेलने के बाद पसंद आने लगे, क्योंकि पुराना जो नोकिया 3310 का जो स्नेक गेम है वो उस मोनोक्रोम LCD पे जो दिखता था, जिस तरह का प्लेबैक एक्सपीरियंस आता था वो कमाल की बात है, और साथ ही साथ वो कीबोर्ड कीज से चलता था जो कि T9 कीबोर्ड उसमें दिया जाता है, तो ऐसे में नंबर कीज के थ्रू आप उसे खेल पाते थे, वो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये गेम थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा डिजिटल, थोड़ा सा लुक एंड फील में डिफरेंट है। मुझे इतना अच्छा नहीं लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन शायद आपको अच्छा लगे जब आप नोकिया 3310 नया वाला लें। अगेन गेम है यहाँ पे तो स्नेक वाला गेम आपको दोबारा मिल रहा है जो कि बहुत ही पॉपुलर गेम है, और शायद इस वजह से भी आप नोकिया 3310 को लेना चाहें। इसके बाद नोकिया 3310 जो नया वाला है उसमें मिलता है आपको कैमरा, हालांकि ये 2 MP का कैमरा है, इससे आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फोटोज वगैरह डालेंगे तो वो आप समझ लीजिए कि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी। फिक्स फोकस कैमरा मिलता है आपको नए नोकिया 3310 में, लेकिन फिर भी कैमरा यहाँ पे मिलता है जो कि था ही नहीं पुराने नोकिया 3310 में, तो ऐसे में डेफिनेटली ये शायद एक और रीज़न आपके लिए हो सकता है कि आप नोकिया 3310 जो है नया वाला लेना चाहें। इसके बाद नया वाला नोकिया 3310 जो है वो डुअल सिम फोन भी है, तो ऐसे में डुअल सिम कनेक्टिविटी आपको फोन में मिल जाती है, और साथ ही साथ इस फोन के अंदर आपको SD कार्ड का स्लॉट भी मिलता है, तो यहाँ पे SD कार्ड का स्लॉट मिल रहा है आपको और डुअल सिम कनेक्टिविटी भी मिल रही है नए नोकिया 3310 में, और ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप नया नोकिया 3310 जो है लेना चाहें जब भी वो इंडिया में लॉन्च होता है। प्राइसिंग की बात करें तो नए नोकिया 3310 की एग्जैक्ट प्राइस जो है 49 यूरोज है, उसको आप कन्वर्ट करेंगे इंडियन प्राइसिंग में तो आएगी 3450, और ऐसे में अगर आप नया नोकिया 3310 इंडिया की प्राइसिंग जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वो
4,000 से 4,500 ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होगा, और 5,000 से नीचे रहेगा। अब ऐसे में आप कहेंगे कि भाई नया नोकिया 3310 जो है महंगा है, है तो ये फीचर फोन ही लेकिन महंगा है, लेकिन हो सकता है कि जो फीचर फोन यहाँ पे मार्केट में आ रहे हैं उन सब में नोकिया 3310 जो है किंग बन जाए, क्योंकि इसमें ये सारे फीचर जो है आपको मिलते हैं, और जो लोग एक्चुअली में फीचर फोन ही मार्केट में लेने जाते हैं उन लोगों के लिए नोकिया 3310 नया वाला एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली क्योंकि उन्हें फीचर फोन ही लेना है और अब वो फीचर फोन फाइनली नोकिया की तरफ से आ रहा है और एक ऐसा फोन आ रहा है जो कि इतने सालों से इतना पॉपुलर रहा है और उसमें अच्छे फीचर्स भी मिल रहे हैं आपको। तो और रेगुलर फीचर फोन से अगर आप कंपेयर करेंगे नोकिया 3310 को जो कि नया वर्जन है, शायद आपको वो अच्छा लगे ये सारी चीजें जानने के बाद। इसके बाद प्राइस जैसे मैंने आपको बताया 5,000 से कम रहने वाली है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो कि नए नोकिया 3310 में बेहतर हो सकती थी लेकिन बेहतर नहीं की गई है, और यहां पे मैं कहूंगा कि नोकिया को ये सब चीजें तो ध्यान रखनी चाहिए थी क्योंकि समय के साथ नेटवर्क चेंज हुआ है, लोगों की डेटा नीड्स बढ़ी हैं, लोग फोन पे बहुत सारा ब्राउजिंग करते हैं जो कि पहले कभी नहीं करते थे। 2000 में नोकिया 3310 आया था, अब 2017 चल रहा है, 17 साल हो गए हैं, तो 17 साल में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और ऐसे में नए नोकिया 3310 में एक डिसअपॉइंटिंग चीज है और वो ये है कि इस फोन के अंदर 2.5G नेटवर्क का ही सपोर्ट है, यानी कि 2G नेटवर्क पे ही ये फोन चलेगा, 3G इसमें आप यूज नहीं कर सकते हैं, जो कि अगेन अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल से। इसमें 3G का सपोर्ट तो कम से कम होना चाहिए था क्योंकि नए नोकिया 3310 में ब्राउजर जो लोडेड आता है आपका वो आता है ओपरा, ओपरा मिनी आपको प्री लोडेड मिल रहा है जो कि मैंने देखा था वहां पे बार्सिलोना में जब ये फोन मैंने देखा था अपने हाथ में, तो उस टाइम पे ओपरा मिनी इसमें आ रहा है, तो ऐसे में 3G का सपोर्ट अगर दे देंगे तो डेफिनेटली ब्राउजिंग जो है उस फीचर फोन के एक 2.4-inch डिस्प्ले पे की जा सकती है और वेबसाइट्स वगैरह जो है खोली जा सकती हैं, लेकिन 2.5G नेटवर्क का ही सपोर्ट है इसमें, 3G सपोर्ट नहीं है, और 4G तो भूल ही जाइए, वॉइस ओवर LTE तो भूल ही जाइए, तो ये सब चीज़ें इसमें नहीं होने वाली हैं। इसके बाद एक और जो चीज़ यहाँ पे है वो है 16MB की स्टोरेज, सिर्फ 16MB की स्टोरेज है फ़ोन में, हालांकि आप SD कार्ड लगा के 32GB तक का SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 16MB की ही स्टोरेज है नोकिया 3310 2017 मॉडल में। कम से कम 8GB, 4GB, 2GB की स्टोरेज तो रख ही सकते थे नए नोकिया 3310 में, जो कि नहीं की गई है। अगेन अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो फीचर फोन है, चलता है इतना, तो ठीक है अगर चलता है तो आपके लिए तो ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको कि भाई 16MB की स्टोरेज है फोन के ऊपर, SD कार्ड आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप इसे फीचर फोन की तरह भी यूज करना चाहते हैं, क्योंकि फोन की स्टोरेज में कितने कॉन्टैक्ट्स आप स्टोर कर पाएंगे, गूगल अकाउंट वाला सिस्टम इसमें होगा नहीं, तो ये सब चीजें तो डेफिनेटली होंगी नहीं, तो ऐसे में आपको कॉन्टैक्ट जो है, अगर आप नोकिया 3310 नया वाला लेने वाले हैं उसमें कॉन्टैक्ट कहां स्टोर करेंगे, 16MB में तो होंगे नहीं, फिर SD कार्ड में स्टोर करेंगे VCF फाइल्स के फॉर्मेट में। अब इसके बाद एक और जो चीज यहां पे बेहतर हो सकती थी जो कि नोकिया ने नहीं की है नोकिया 3310 2017 में, वो है ब्लूटूथ 3.0, ब्लूटूथ 4.1 इवन उससे भी ज्यादा आ गया है अभी। ऐसे में ब्लूटूथ 3.0 पुराना A2DP वाला ब्लूटूथ जो है इसमें है, तो ऐसे में पुराना ब्लूटूथ है जो कि इतना सिक्योर नहीं है, और नया ब्लूटूथ का वर्जन तो इसमें दिया जा सकता था मेरे हिसाब से, लेकिन अगेन वो नहीं दिया गया है, और ब्लूटूथ की चिप इतनी बड़ी नहीं होती है कि आप उसे इतने छोटे फोन में ना लगा पाएं, तो यहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज है, और ये सारे कॉम्प्रोमाइजेस हैं जो मैंने आपको बता ही दिए हैं जो कि नए नोकिया 3310 में किए गए हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें बुरी हैं। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि क्या आपकी वो नोकिया की फॉलोइंग, जो आप नोकिया को इतना बढ़िया कंपनी मानते हैं, नोकिया 3310 को बहुत अच्छा फ़ोन मानते हैं, क्या वो चीज़ कंसिडर करके ये कॉम्प्रोमाइजेस और ये अच्छे फीचर्स को देखते हुए क्या आप नोकिया 3310 लेंगे। तो अगर आप लेंगे तो बताइए, नहीं लेंगे तब भी बताइए, और साथ ही साथ बताइए कि आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं नए नोकिया 3310 2017 मॉडल के बारे में। जहां तक मेरी बात है, मैं तो नया नोकिया 3310 जरूर लूंगा चाहे जो भी हो, ये मैं अपनी तरफ से कहता हूं। बाकी आप लोग बताइए, कॉम्प्रोमाइज हैं मालूम है मुझे, लेकिन फिर भी मैं नया नोकिया 3310 तो जरूर खरीदूंगा।
तो देखते हैं क्या होता है, कब आता है इंडिया में। जहां तक प्राइसिंग की बात है बता दी आपको, अवेलेबिलिटी की जहां तक बात है मेरे ख्याल से अप्रैल 2017 को खत्म होने से पहले नोकिया 3310 और नोकिया के बाकी फोन्स नोकिया 3, नोकिया 5 और नोकिया 6 ये सब आ जाएंगे, और नोकिया 8 का भी अनाउंसमेंट बहुत जल्द जो है होने वाला है। और आपको अपडेट हम करते रहेंगे नोकिया के नई खबरों के साथ, नए डिवाइसेस के साथ आपको हम बताते रहेंगे। अगर आपको वीडियो देखना है नोकिया 3310 का हैंडफोन वाला, तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए जो कि आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। दोनों बटन वीडियो के नीचे दिए गए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप करते हैं तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और अच्छा लगेगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपने हमें कुछ एक तरह से एप्रिसिएशन दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे दिया गया है, उसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल बटन को दबा के सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल को सिलेक्ट करने के बाद सेव बटन को दबाइए, ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।